8 अक्टूबर 2019 सुबह करीब 10 बजे का टाइम है। चंडीगढ़ सेक्टर 35 में जो कांग्रेस भवन है उसके पास कॉर्नर पे ये वाटर लीकेज है और ये कम से कम एक महीने से है। इसको बिल्कुल मेन रोड पे है, शहर के बीच में है, लेकिन प्रशासन के जो हैं जिम्मेदार अफसर इनको ये नहीं दिखता। इससे रोड के इस लीकेज से रोड के बीच में आप देख सकते हैं कितने बड़े खड्डे भर गए और रोड भी टूट गई। और ये जो खड्डे हैं ये लगातार डेली भरते हैं, इसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं और जब पानी ताज़ा सप्लाई जब बंद होता है तो ये वापस वो पाइप को सक करता है और वो हमारे घरों में जो पानी सप्लाई उसके अंदर आता है, जो डायरिया और पीलिया और कई तरह की बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं लोगों से भी एक अपील करता हूँ, शहर के जिम्मेदार आदमी जो हैं यहाँ से जो निकलते हैं, जहाँ भी हम पानी लीकेज देखते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, पानी बचाएं, सरकार तक आवाज़ पहुँचाएं, एक नहीं दो नहीं 100 बार पहुँचाएं जिससे ये ठीक हो लीकेज। माना कि सरकार अपने आप नहीं कर रही है लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम भी वो ठीक करवाएं जिससे हमारे घरों में पानी का प्रेशर पूरा आए और पानी जो आए साफ आए, गंदा ना आए। धन्यवाद।